सितंबर में आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाल बेहाल है, नदियां उफान पर हैं, लापरवाही भी चरम पर पहुंची हुई है। और उधर राजस्थान में बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। जल भराव से राजस्थान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। पानी ने लोगों की परेशानी यूपी में भी बढ़ा दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। यहां पर बारिश का रेड अलर्ट आज जारी किया गया है। हालांकि बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बरसात हो रही है। और वहीं आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, बाढ़ का पानी विजयवाड़ा में कम हो गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पानी के प्रहार की और भी तस्वीरें विस्तार से अब हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बिहार के सहरसा में भी कोसी नदी रौद्र रूप में बह रही है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का पानी देखने को मिल रहा है, जहां एक स्कूल की बिल्डिंग कोसी नदी में समा गई। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप, ये स्कूल की बिल्डिंग है और कोसी नदी, आप जानते हैं कोसी सौरव बिहार कहा जाता है इस नदी को। और ऐसे में देखिए किस तरीके से कोसी नदी में स्कूल की बिल्डिंग समा गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्डिंग की जल समाधि का ये वीडियो देखा आपने, ये घटना हाटी पंचायत की है। कोसी नदी उफान पर बह रही है, लोग दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि देखते ही देखते ये इमारत इस तरीके से कोसी नदी में समा जाएगी, जल समाधि ले लेगी। हाँ, पानी जो है नदी का वो इमारत तक पहुंच चुका था, इमारत की बुनियाद भी कमजोर पड़ रही थी। और लीजिए, देखते ही देखते इमारत ने जल समाधि ले ली। कोसी नदी उफान पर इस इलाके में बह रही है। आसपास जो जमीन है किनारे की, लगातार उसमें कटान बढ़ती जा रही है। ये जो स्कूल बना हुआ था, ये 1950 में बना था, प्रशासनिक अनदेखी के चलते ये स्कूल जर्जर हो गया था। और जर्जर इमारत ने आखिरकार इस बरसात के मौसम में जल समाधि ले ली। बिहार सहरसा कोसी का ये कहर, बिहार का हाल जाना आपने। मैं आपको अब आगे झांसी लेकर चलती हूं, जहां बारिश के बाद हालात कई जगह इतने बुरे हो गए हैं कि अब तो अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मोठ तहसील में हालत बेहद खराब है। इमलिया गांव बाढ़ की चपेट में, जनजीवन अस्त व्यस्त। यहां एक महिला की बीमारी के चलते मौत हो गई। लोग बाढ़ के पानी के बीच किसी तरीके से ट्यूब के जरिए महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो शव है उसे ट्यूब पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए लोग लेकर जा रहे हैं। दो ट्यूब को एक साथ बांधकर उस पर शव को बांधा गया है, और कैसे लोग जो हैं उसको लेकर आए अंतिम संस्कार के लिए। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के गले गले तक पानी भरा हुआ था। देखिए कैसे पूरी तरीके से डूबे हुए हैं ये लोग, तैर कर आए। इस सैलाब को पार करने के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार को लेकर भी मुश्किल हो गई है, अब जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बीमारी के चलते बताया जा रहा है इन महिला की मौत हो गई थी, और ऐसे में अंतिम संस्कार कहाँ करें, कैसे करें, क्योंकि बीच पे तो ये नदी सी बहने लगी थी जिसको पार करना था। और ऐसे में दो ट्यूबों को जोड़ा गया, उस पर महिला का शव रखा गया। और देखिए कितनी दूर से ये लोग जो है वो ट्यूब पर रखकर शव को किनारे तक लेकर आए हैं, और तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार किया गया। तो ये तो झांसी के एक हिस्से का आपने हाल देखा। मैं आपको झांसी के कुछ और इलाकों की तस्वीर दिखाती हूँ, आपको कैसे सड़कें समंदर बन गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, गणपति बप्पा के पंडाल में भी पानी भर चुका है। देर रात झांसी के माता टीला बांध से 2,81,000 क्यूसेक ज्यादा पानी छोड़ा गया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर सड़क पर गणेशोत्सव के दौरान पंडाल सजा हुआ था, और ऐसे में पानी का ऐसा तेज बहाव आया कि पंडाल पानी पानी हो गया। यहाँ झांसी में माता टीला बांध है, और इसी माता टीला बांध से अचानक से 2,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इसी वजह से निचले इलाके में रह रहे लोग जो हैं वो परेशानी में घिर गए, सैलाब में घिर गए। हालांकि लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन मुश्किलें तो लोगों की जस की तस बनी हुई हैं। ये पंडाल गणेशोत्सव के मौके पर सड़क पर सजा हुआ था, और देखिए कैसे पंडाल को चीरता हुआ ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। गणपति पंडाल पानी पानी, और वहीं अन्य इलाके भी देखिए ज़रा झांसी के, कैसे लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, लोगों के घर के भीतर पानी भरा हुआ है, और जो बाज़ार वाले इलाके हैं वहाँ हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें लबालब हैं,
कहीं घुटनों घुटनों तक पानी है, कहीं कमर कमर तक पानी है। और वो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी जहां अंतिम संस्कार के लिए दो ट्यूब्स को बांधकर उस पर शव को रखकर लेकर जाया गया, वहां तो आप देख रहे हैं कैसे गर्दन तक पानी पहुंचा हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा का हाल देख लीजिए आप। मथुरा में भी जो आसमानी आफत है उससे लोग बेहद परेशान हैं। मथुरा में कल से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला कायम है। इस बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है, खासतौर से फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास पानी भरा हुआ है, सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी नहीं घोषित की है, बावजूद इसके कुछ स्कूल्स ने खुद ही रेनी डे का ऐलान कर दिया है। देखिए किस तरीके से यहां पर जो जेसीबी मशीनें हैं उनके सहारे जो वाहन बंद पड़ रहे हैं, अंडरपास पानी भरने की वजह से वाहन जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का सिलसिला जारी है। और ये देखिए पानी कितना भरा हुआ है, सड़कें लबालब नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे ये छोटा पिकअप ट्रक है और उसको धकेलते हुए जेसीबी की मशीन जो है वो अंडरपास से नीचे से लेकर आई है। और अब मध्य प्रदेश के दमोह का एक बाहुबली मैं आपको दिखाने जा रही हूं। और उसे मैं बाहुबली क्यों कह रही हूं, तस्वीरें जब आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। देखिए दमोह में बारिश के चलते बाढ़ के हालात और इस बीच एक युवक सिर पर बाइक उठाकर सैलाब को पार कर रहा है। इस युवक का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल है। मगरौन थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है, सुनवाहा गांव है यहां मगरौन थाना क्षेत्र में, वहीं का यह वीडियो बताया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर, गांव आने जाने वाला रास्ता पानी की चपेट में, और ऐसे में ये युवक अपनी बाइक को सिर पर उठाकर रास्ता पार करता दिखाई दिया। तो ये मरगोन की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दमोह का बाहुबली इसको ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। पानी भरा हुआ है और देखिए कैसे दुपहिया वाहन बाइक इतनी भारी होती है और उस बाइक को अपने बाजुओं से ऊपर उठाकर सर पर रखकर ये बड़े आराम से जो पानी भरा हुआ है उसे पार करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये तो दमोह का बाहुबली है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से नदी नाले उफान पर, अशोकनगर में लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सड़क पर बहते बरसाती नाले में दो बाइक सवार फंस गए। पानी की तेज रफ्तार में दोनों ने पहले अपनी बाइक को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन जल प्रहार के आगे जब बेबस हुए तो बाइक समेत दोनों युवक पानी की तेज धार के साथ बहने लगे। हालांकि गनीमत यह रही कि दोनों युवकों को तैरना आता था, इसी के चलते कुछ दूर तक बहने के बाद दोनों पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद पुलिस के जवानों को तैनात किया गया जिससे कोई और तेज रफ्तार बहते पानी को पार करने की कोशिश ना करे। और एबीपी न्यूज पर मैं लगातार आपको जब इस तरीके की तस्वीरें दिखाती हूं तो मकसद भी बताती हूं कि इस तरीके की तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ एक है, ताकि हम आपको आगाह कर सकें, अलर्ट कर सकें, कभी ऐसी बेवकूफी मत कीजिए। तेज धार पानी की कभी उसमें नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि पानी की तेज धार कब किसको कहां बहा कर ले जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मध्य प्रदेश के ही कटनी की बात अब कर लेते हैं। लगातार बारिश से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कटनी के धीमखेड़ा इलाके की निचली बस्तियां पानी में डूबी हुई हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। नदियां उफान पर बह रही हैं यहाँ पर, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाही से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे ब्रिज से नदी में छलांग लगा रहे हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए उफनती नदी से कैसे खिलवाड़, ये रेलवे ब्रिज है और लीजिए रेलवे ब्रिज से कैसे यहाँ पर लोग छलांग लगा रहे हैं, तैराकी का आनंद ले रहे हैं। अब इसे तैराकी का आनंद लेना कहा जाएगा या फिर उसको सीधे सीधे अपनी जिंदगी से खिलवाड़ और मूर्खता कहा जाएगा, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। कटनी की तस्वीरें हैं ये मध्य प्रदेश की, ये रेलवे ब्रिज पर चढ़ रहे हैं और वहां से नीचे छलांग लगा रहे हैं। तो ये सितंबर में सैलाबी सितम की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। रेलवे ब्रिज पर चढ़कर युवक जो हैं, वो नीचे जो पानी की तेज धार बह रही है उसमें छलांग लगाते हुए देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बैठक की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं मोहन यादव हैं, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़े निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, एक तो
बैठक में डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मोहन यादव की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है, कहीं भी बाढ़ के हालात हो फौरन पहुंचें, मदद पहुंचाएं अधिकारी, ये सीएम साहब की तरफ से निर्देश दे दिए गए। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। और लोगों से सीएम मोहन यादव ने अपील की है, नदियां जर्जर मकानों से दूरी बनाकर रखें। लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कैसे पानी के साथ लोग कहीं खिलवाड़ करते हुए, कहीं मजबूरन जोखिम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी अब अपील की गई है लोगों से कि इस तरीके का जोखिम ना उठाएं, तेज पानी की धार हो या जर्जर इमारत हो उससे दूरी बनाकर रखें। मध्य प्रदेश के बाद अब बात राजस्थान की। बारिश से राजस्थान के सवाई माधोपुर में हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार बारिश हो रही है एक तो यहां पर राजस्थान सवाई माधोपुर में, और इसी के चलते कई कॉलोनियों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ये देख रहे हैं आप, ये युवक देखिए, घुटनों घुटनों तक पानी है जिससे गुजर रहा है। जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सवाई माधोपुर में इस बार बारिश ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये बताया जा रहा है। बारिश के चलते हाईवे पर भी पानी आ गया है। प्रशासन ने बारिश से बने हालात के चलते लोगों को सावधान रहने का अलर्ट दिया है। ये बड़ी जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं, और इसके टायर देखिए कितना पानी में डूबे हुए हैं, उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से पानी पूरा भरा हुआ है इस इलाके में, मुश्किल में फंसे हुए हैं लोग, करें तो क्या करें। सवाई माधोपुर जहां बारिश ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ये देख रहे हैं आप, जेसीबी की मदद ली जा रही है, इसमें बिठाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जब लोग, तो ये जेसीबी की मदद से, क्योंकि सड़कें तो लबालब हैं और कुछ तो चल नहीं सकता है, और ऐसे में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी लोकेश तटवाल की एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ सवाई माधोपुर से। जैसा कि बरसाती दौर चल रहा है, बरसाती दौर के चलते सवाई माधोपुर के विभिन्न कॉलोनी में आज सुबह 5 बजे से लगातार 3 घंटे की बारिश के बाद पानी भर गया, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ कॉलोनी में पानी भरा, और यहाँ SDRF NDRF की टीम, जिला कलेक्टर ने अलर्ट जारी करते हुए स्कूलों की भी छुट्टी कर दी है, और यह जो टीमों को भेजा उसके माध्यम से मकानों में जो लोग फंसे हुए उनको निकाला। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जेसीबी से लोगों को यहाँ निकाला गया है, और जो इनके जो मकान है नालों के किनारे बने हुए थे उनमें से निकाल के और इनको सुरक्षित जगह पहुँचाने का कार्य NDRF SDRF टीम कर रही है। आवासीय कॉलोनी तरबदर हो गई है, और तरबदर होने के बाद जिला प्रशासन की भी सांसें फूली हैं, क्योंकि एक करीब 20 साल का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है। जहाँ बड़े बुजुर्गों ने कॉलोनी में पानी नहीं देखा, वह आज तरबदर है। लोग घरों से निकल नहीं सकते, और यहाँ पर जो पानी है करीब 2-2.5 फुट कॉलोनी जो सड़कों पे है लबालब पानी भरा हुआ है। जो इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क सुध को जाने वाली जो सड़क है वह भी लगभग पूरी तरह बंद है। लालचूर कोटा मेगा हाईवे है वो पूरी तरह बंद हो गया, क्योंकि सूरवाल डैम से जाने वाला पानी है, जो उसके बाद जो सूरवाल में जो मेन सड़क है हाईवे उसको क्रॉस करते हुए करीब 3 फीट का पानी है। इस पर भी कलेक्टर ने जारी किया, अलर्ट जारी किया है, और एहतियात बतौर लोगों को आने जाने के लिए मना कर दिया गया है। ABP न्यूज़ लोकेश टटवाल सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का ये हाल है जो आप देख रहे हैं इस समय। देखिए कैसे सवाई माधोपुर जहां बारिश ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और उसके बाद हाल बेहाल है। जेसीबी से यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, गलियों में जलभराव है, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पर से कहर ये कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, बादल अभी भी डटे हुए हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ये सितंबर का सैलाबी सितम, बारिश सितंबर के महीने में भी बेरहम बनी हुई है। अब राजस्थान का ही एक और शहर है, उसका हाल मैं आपको दिखाती हूँ, धौलपुर। पिछले 40 घंटों से यहाँ लगातार बारिश के चलते जो मचकुंड सरोवर है वो लबालब हो गया है। साल 1979 के बाद ये पहला मौका है जब मचकुंड सरोवर पानी ही पानी से भरा हुआ नजर आ रहा हो। वहीं प्रशासन ने हालात पर नजर बनाई हुई है। मचकुंड पर कर्मचारी लोगों से सरोवर से दूर रहने की अपील की गई है।
मुनादी कराकर लोगों को सरोवर में जाने से रोका जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये है मच्छकुंड सरोवर। देखिए यहाँ पर प्रशासन भी पहुँच रहा है और वो भी कह रहा है कर्मचारियों से कि यहाँ पर अगर लोग आए तो उनको सरोवर के नज़दीक ना जाने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर, कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए, और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई, और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई? कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है, और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है, जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग? हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में इनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं।
सोचो जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की? आप रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, सोचे कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन ऐसी साजिश षड्यंत्र कि दोनों को भिड़ा दो, आप दोनों को लड़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं, मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी, और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। बिल्कुल होगा, अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है, और कौन नहीं जानता है, यहां जितने लोग बैठे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है, इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है, तब तो मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूँ आप पत्रकार साथ। अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। बीजेपी पर अखिलेश यादव की तरफ से जोरदार हमला बोला गया। अखिलेश सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर कह रहे हैं कि झूठा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हत्याएं करवाई जा रही हैं एनकाउंटर के नाम पर, मंगेश यादव की हत्या की गई, ये कहना है अखिलेश यादव का। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रही है, शिमला जहां लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज व्यापारियों की तरफ से शिमला बंद का आह्वान किया गया है। शिमला मस्जिद विवाद में अब इस समय कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि सुक्खू सरकार से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कांग्रेस आलाकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, अपनी सरकार से कांग्रेस आलाकमान हिमाचल नाराज है। सुक्खू सरकार से आलाकमान नाराज, सुक्खू ने उचित कदम उठाने का हालांकि अब आलाकमान को भरोसा दिया है। साथ ही बयानबाजी करने वाले मंत्री की तरफ से भी सफाई दे दी गई है शिमला मस्जिद विवाद में। ये कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देखिए पूरा मामला माना यह जा रहा है कि गरमाया इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश वहां सदन में खड़े होकर सुक्खू सरकार में मंत्री की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद ये पूरा मामला सियासी तौर पर जोरदार तरीके से गरमा गया, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान अपनी ही सरकार से नाराज, जिस पर अब सुक्खू की तरफ से सफाई भी दी गई है, वो बयान देने वाले मंत्री की तरफ से भी सफाई दी गई। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस समय मौजूद हैं। जैनेन्द्र, शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी, और वो भी बाकायदा खुद सरकार के मंत्री की तरफ से, और उसके बाद जब विरोध के लिए उतरे प्रदर्शनकारी तो कल उन पर बल प्रयोग, कुल मिलाकर एक तरीके से
फियास्को, फेलियर। कांग्रेस सरकार का हिमाचल प्रदेश में ये अवैध निर्माण जो मस्जिद में हुआ है, इस मामले में देखा गया, इसी को लेकर ये पूरी नाराजगी। बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस आला कमान जो है वो सुक्खू सरकार से नाराज है। जिस तरीके से हैंडल किया गया इस पूरे मामले को, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका देने के मौका जो मिला उसके पीछे खुद सरकार की मिसहैंडलिंग थी और सरकार में शामिल जो मंत्री हैं उनकी बयानबाजी थी। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस मामले पर जो प्रभारी हैं हिमाचल कांग्रेस के राजीव शुक्ला, उनसे रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट उनको सौंप भी दी गई है और उसमें भी इस बात का जिक्र है कि मिसहैंडलिंग हुई सरकार से और एक किस्म से सरकार ने ही बीजेपी को मौका दिया। कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से मुख्यमंत्री सुक्खू को उचित कदम उठाने और बयानबाजी पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं और सूत्रों ने हमें बताया है कि सीएम सुक्खू ने कांग्रेस लीडरशिप को स्पष्ट किया है स्थिति को। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात को माना है कि लापरवाही हुई है सरकार पर और उन्होंने उचित कदम भविष्य में उठाए जाने का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस आला कमान सुक्खू सरकार से नाराज है। जिस तरीके से शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर पूरा विवाद सामने आया है और उसमें प्रदर्शन आदि तो हुए ही है, लेकिन उससे भी पहले खुद कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस लीडरशिप नाराज है और तत्काल इस पूरे मामले में उचित कदम उठाने और बयानबाजी रोकने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। रोमाना, तरीके का कोई फेरबदल भी हो सकता है हिमाचल सरकार में क्या? ये नाराजगी जो है वो हिमाचल सरकार में किसी पर भारी भी पड़ सकती है आला कमान की? बिल्कुल रोमाना, इस पर नजरें रहेंगी। हालांकि फिलहाल इस तरीके का कोई संकेत नहीं है कि क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, बयानबाजी करने वाले मंत्री पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, फिलहाल इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन सूत्रों ने बताया है कि बयानबाजी जिन मंत्री ने की, अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी आला कमान को सफाई दी है। आने वाले दिनों में, अगले एक दो दिनों में मुख्यमंत्री सुक्खू भी दिल्ली आ रहे हैं, संभव है कि वो लीडरशिप से मिले। उस वक्त नजरें रहेंगी कि क्या किसी प्रकार का एक्शन भी होने जा रहा है। फिलहाल एक्शन की कोई बात या इस तरीके के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आलाकमान, खासतौर पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जो हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। ये जानकारी हमें उच्च सूत्रों के हवाले से मिली है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जयनेन्द्र। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच अब कोलकाता से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता आरजीकर अस्पताल, उसी के पास से एक संदिग्ध बैग मिला है। सीआईएसएफ ने बैग को घेर लिया है, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। तो कोलकाता का आरजीकर अस्पताल, वही आरजीकर अस्पताल जो सुर्खियों में आया डॉक्टर बिटिया की रेप और हत्या की वारदात के बाद से, वही आरजीकर अस्पताल जहां पर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से धरना दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और उसी आरजीकर अस्पताल में ये देख रहे हैं आप, ये वो संदिग्ध बैग है जो मिला है यहां पर। और साथ ही आप जानते हैं कि आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया था, उसी सीआईएसएफ ने अब इस बैग को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनुज्ञा लोहवाल मौजूद हैं। जानते हैं मनुज्ञा से क्या अपडेट मिल रहा है अभी। रोमाना, ये संदिग्ध बैग मिला है, ये किसी का बैग है, यहाँ पर रखकर चला गया है या फिर किसी ने इंटेंशनली रखा है, इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन यही वो मंच है जहाँ पर दिन रात प्रदर्शन हो रहा है, जिनमें डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और यही से दिन भर वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर ये बैग रखा है, इस बैग को अभी सीआईएसएफ ने घेर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे आरजीकर की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ के हाथ में है। ऐसे में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है स्थानीय पुलिस की मदद से और खुद सीआईएसएफ भी इस पर मॉनिटर कर रही है कि आखिरकार ये बैग कहाँ से आया। जब पूछताछ की गई तो कोई नहीं बता पाया ये बैग किसका है, जिसके बाद इस इलाके को खाली कर दिया गया है, इसे घेर दिया गया है और घेरने के बाद पुलिस इंतजार कर रही है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का, उसके बाद ही इस बैग को हटाया जाएगा या फिर यहाँ पर आसपास से किसी को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। तो क्या हुआ था, किसकी नजर सबसे पहले इस बैग पर पड़ी और ये बैग मिलने के बाद अब वहां पर क्या किसी तरीके की अफरा तफरी का सा माहौल है, सनसनी सी फैली इस बैग के मिलने के बाद? देखिए, बैग के बारे में पहले पूछा गया कि ये बैग किसका है, जब काफी देर तक नहीं कोई बता पाया कि ये बैग है किसका। अधिकतर जितने जूनियर डॉक्टर आते हैं वो यहाँ बैठते हैं, बाकी लोग आते हैं बैठते हैं, अपना बैग यहाँ पर रखते हैं, दिन रात ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन अगर कोई बैग का ये ना बता पाए कि बैग है किसका, तो वो पूरी तरह से संदिग्ध बैग हो जाता है या अबंडेंट बैग कह लीजिए या अनआइडेंटिफाइड बैग कह लीजिए, ये कोई भी टर्म या ऐसा इसी तरह के टर्म इस्तेमाल कर रही है ये कहकर
कि अनआइडेंटिफाइड है, क्योंकि ये नहीं पता कि इसका मालिक कौन है, ये किसका बैग है, कोई यहाँ पर गलती से रख गया है या फिर किसी का बैग यहाँ पर किसी इंटेंशन के साथ रखा गया है। लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, आजीकर अस्पताल की सुरक्षा पूरी तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में है, जिसकी वजह से ये भी वेट किया जा रहा है, जब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड नहीं आता तब तक बैग को हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, देखने में बिल्कुल नया बैग लग रहा है, मन हो गया मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं, कोलकाता से इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल ये आजीकर अस्पताल बाहर का हिस्सा और वहीं पर ये संदिग्ध बैग मिला है। अब ये बैग कोई भूलकर चला गया है, किसी का बैग है जो गलती से यहाँ पर छोड़कर चला गया, ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल संदिग्ध बैग है और ऐसे में अब CISF ने इस बैग को अपने कब्जे में ले लिया है। ये इलाका यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से कोई आपको नजर नहीं आ रहा है, सबको इस इलाके से दूर कर दिया गया है। जो बम निरोधक दस्ता है उसका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, बॉम्ब स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया है, वही इस पूरे मामले में जांच करेगा और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। फिलहाल ये बैग आप देख रहे हैं तस्वीरों में और बिल्कुल नया बैग लग रहा है जहां तक मुझे नजर आ रहा है मनोज्ञा, बाकायदा इसमें टैग भी लगा हुआ नजर आ रहा है, देखने में भी बैग नया है। मनोज्ञा, मनोज्ञा हमारे साथ हैं अभी? नहीं, मनोज्ञा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ आरजीकर अस्पताल और वहीं पर यह संदिग्ध बैग मिला है। फिलहाल CISF ने इस बैग को अपने कब्जे में लेकर तमाम जो लोग यहाँ, दरअसल ये वही हिस्सा है आरजीकर अस्पताल का जहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचते हैं, देख रहे होंगे आप पीछे वो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर यहीं पर डॉक्टर्स बैठकर अपना प्रदर्शन करते हैं। तो आज यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस बैग का राज क्या है। अभी तो ये पहेली सी बना हुआ नजर आ रहा है बैग, संदिग्ध बैग, क्या किसी तरीके की कोई साजिश का हिस्सा है, आखिरकार इस बैग में क्या है, क्या कोई गलती से इस बैग को यहाँ पर छोड़ गया है या फिर गलत इरादे से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस बैग को यहाँ पर रखा गया है, इस बैग के अंदर क्या है, इसको लेकर अभी रहस्य बना हुआ है। बॉम्ब स्क्वाड के मौके पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल CISF जो है वो पूरी एहतियात बरत रही है, इलाके को खाली करा लिया गया है, इस हिस्से को खाली करा लिया गया है। आरजीकर अस्पताल तो आप जानते हैं काफ़ी बड़ा अस्पताल है, कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में ये अस्पताल है और यहाँ पर काफ़ी भीड़भाड़ रहती है, लेकिन फिलहाल इस हिस्से को आरजीकर अस्पताल जहाँ पर ये बैग मिला है उसको खाली करा लिया गया है। यहाँ पर कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा है इन तस्वीरों में, सिर्फ वो बैग रखा हुआ है, मेज़ पर रखा हुआ देख रहे हैं आप बैग को और बॉम्ब स्क्वाड का यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता जब यहाँ पर पहुँचेगा तो वो जांच करेगा और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस बैग का राज क्या है। फिलहाल ये वो हिस्सा जहां पर डॉक्टर्स बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आप देख रहे हैं यहां पर कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं, मेज रखी हुई है एक, और वो एक मेज पर आप देख रहे हैं जो डॉक्टर बिटिया है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर कुछ फूल वगैरह रखे हैं, उसकी याद में तस्वीर वहां पर रखी हुई है, कुछ पोस्टर बैनर यहां पर लगाए गए हैं। डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग लगातार इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है और ऐसे में ये वो प्रदर्शन स्थल कह सकते हैं आप जो आरजीकर अस्पताल में बन गया है, उसी हिस्से में फिलहाल ये संदिग्ध बैग जो रखा हुआ है यहाँ पर अभी किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा अदालत के आदेश के बाद CISF को दे दिया गया था और ऐसे में CISF इस समय आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात है। CISF को जैसे ही इस संदिग्ध बैग की सूचना मिली, फौरन इस संदिग्ध बैग को CISF ने अपने कब्जे में लेकर इस पूरे हिस्से को खाली करा दिया है आरजीकर अस्पताल के, बॉम्ब स्क्वाड को सूचित कर दिया गया है और किसी भी पल जो बम निरोधक दस्ता है वो अब मौके पर पहुंचेगा और तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस रहस्यमयी इस संदिग्ध बैग का राज क्या है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुकांत मुखर्जी इस समय मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं। सुकांत, कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैग को लेकर, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा क्या? देखिए, मैं अभी आरजीकर अस्पताल पे हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो मंच जो है आरजीकर कांड के बाद यहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो है यहाँ पे वो लोग एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन आज 12 बजे के बाद ये जो मंच के सामने एक जो बेंच आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक ये अनयूज्ड बैग यहाँ पे जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको लेके बम का एक अफवाह पूरा 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 सब जगह पे ये पहुँच चुका है और उसके बाद अभी बॉम्ब स्क्वाड, कोलकाता पुलिस का जो बॉम्ब स्क्वाड है उसको
इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन वो अभी तक स्पॉट पे नहीं आ चुके आए हैं। 12 बजे के करीब ये बैग सबको नजर पे आए हैं और अभी देर बज चुका है, क्योंकि डेढ़ घंटा बज गया है, लेकिन अभी तक कोई भी हम देख सकते हैं ये बैग के अंदर क्या है इसको लेके एक अफवाह है कि इसमें शायद कोई एक्सप्लोसिव कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो जगह है आरजी कौर अस्पताल के एकदम इमरजेंसी के सामने, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 9 अगस्त के बाद यहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो है यहाँ पे वो लोग एजिटेशन कर रहे थे और अभी लास्ट 3 दिन से वो लोग शास्त्र भवन के सामने एजिटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों का जो हलचल है यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे वो लोग बैठ भी नहीं रहे थे, लेकिन कोई कैसे यहाँ पे एक बैग यहाँ पे रख के वो चला गया सबके नजर के बाहर, ये एक सवाल है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट के निर्देश के बाद, ऑर्डर के बाद, ये पूरा अस्पताल के हर तरफ यहाँ पे सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कैसे ये बैग यहाँ पे कोई रख के चला गया, इसको लेके सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रश्न है। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैरिकेड है उसका पेरी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बैग के अंदर क्या है वो अभी तक वो शनाक्तकरण का जो प्रोसेस है वो अभी तक किया नहीं गया है। तो अभी जो कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स, पूरा जो जगह है ये जगह को थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया गया है, और कलकत्ता पुलिस के जो बॉम्ब स्क्वाड है उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन डेढ़ घंटा बज गया है, कोई अभी तक यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद वो लोग यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ये जो बैग को लेकर ये जो बम की अफवाह जो यहाँ पे पूरा र्यूमर जो पूरा जो र्यूमर है उसके बाद ये चेक करने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये बैग के अंदर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि 9 अगस्त के बाद आरजी कौर अस्पताल के जो जूनियर डॉक्टर है वो 24 आवर्स यहीं पे ही बैठते हैं, यहाँ से वो धरना करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो बाहर से यहाँ पे आते हैं उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लास्ट 3 दिन के अगर उन लोगों का जो एक्टिविटी है उसमें अगर हम ध्यान दें, वो लोग अभी शास्त्र भवन पे धरना पे वहां पे है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। सेंट्रल फोर्स वो यहाँ पे उनको तैनात है, सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल है, इसके बावजूद कोई कैसे यहाँ पे बैग रख के चला गया इसके ऊपर सिक्योरिटी के लेकर अभी प्रश्न है। अब पूरा जो जगह है जो मेन गेट है वो सील कर दिया है सेंट्रल फोर्स और कोलकाता पुलिस में, और बम स्क्वाड आने के बाद ही पता चलेगा इस बैग के अंदर क्या है। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आरजी कर अस्पताल कोलकाता और वहां पर ये संदिग्ध बैग जिसके मिलने के बाद से लगातार सनसनी है, डेढ़ घंटा हो गया है, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक बम निरोधक दस्ता जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे ग्राउंड से वो पहुंचा नहीं है, इंतजार किया जा रहा है, और जब तक वो आकर यहां पर जांच नहीं कर लेता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार इस बैग में है क्या, इस बैग का राज क्या है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में INLD और BSP के गठबंधन में एक और सियासी साथी की एंट्री हो गई है। इस पार्टी का नाम है HLP, यानी अब हरियाणा के रण में इंडियन नेशनल लोकदल और BSP के साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी हाथ मिला लिया है और तीनों मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन पर मोहर INLD नेता अभय सिंह चौटाला और HLP चीफ गोपाल कांडा की मुलाकात के बाद लगी और दोनों की ओर से सिरसा की 5 सीटों पर गठबंधन की जीत का दम भर दिया गया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं गोपाल कांडा। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 111 है और ये सरकार की तरफ लड़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी और हरियाणा की, और वो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे और जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली वो मिलेंगी। अभी हम सरकार की तरफ लड़ रहे हैं, सरकार बनाएंगे। और अभय सिंह जी ने जब बोल दिया कि हम तीनों मिलकर सरकार की तरफ बढ़ रही, इस बात की कोई दोहराई नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने सब पार्टियों को सबको देख लिया कि किसने क्या किया। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित सावल इस समय मौजूद है और उन्हीं से जरा समझते हैं। गोपाल कांडा बीजेपी के साथ जाते जाते अचानक से INLD और BSP वाले गठबंधन में सवार हो गए हैं, कुल मिलाकर सियासी समीकरण ये गठबंधन में जब तीन दल साथ में आ गए तो किस तरीके से तब्दील हो सकता है, खासतौर से सिरसा वाले इलाके का। रोहाना देखिए, इस गठबंधन की अगर सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत किसी को है तो वह है भारतीय जनता पार्टी को। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिरसा एक ऐसा इलाका है, सिरसा ऐसा जिला है जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का अच्छा खासा प्रभाव रहा था। इसके लिए मैं आपको 2014 में ले जाना चाहूंगा। 2014 में सिरसा की 5 में से 4 सीटों पर INLD ने जीत दर्ज की थी, एक सीट अकाली दल ने जीती थी कलावली जो कि रिजर्व सीट है, बीजेपी यहां खाता नहीं खोल पाई थी। अगर इसके बाद की अगर हम बात करें 2019 का जो विधानसभा चुनाव होता है
पूरे चुनाव में बीजेपी यहां पर खाता नहीं खोल पाई। रानिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जीते, सिरसा से गोपाल कांडा जीते अपने आप अगर उनकी बात की जाए, दो सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और एक सीट पर अभय चौटाला इलाहाबाद जो उनकी परंपरागत सीट है वहां से वो चुनकर आए थे। तो दोनों चुनाव में 2014 में जब पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी तब भी सिरसा में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। और ऐसे में अब देखिए, अब सिरसा की अगर बात करें तो क्योंकि चौटाला जो चौटाला गांव है वो सिरसा जिले में ही आता है और अभय सिंह चौटाला का पैतृक आवास या यूं कहें ओम प्रकाश चौटाला का पैतृक आवास उसी जिले में आता है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि सिरसा में दो ध्रुव बन गए, गोपाल कांडा, गोपाल कांडा का जो शहरी इलाका है, जो शहरी क्षेत्र है इन तमाम पांचों सीटों का, गोपाल कांडा का वहां पर प्रभाव है और बीएसपी पहले से साथ में है इंडियन नेशनल लोकदल के और अभय सिंह चौटाला का इलाहाबाद के अलावा डब्बाली उनकी उनके परिवार की सीट रही है। हालांकि वहां से अगर बात करें तो अजय सिंह चौटाला भी चुनाव जीत चुके हैं, नैना चौटाला भी वहां से चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं। जेजेपी भी अपने प्रत्याशी उतारेगी लेकिन इतना तय है कि सिरसा में सीधे तौर पर यह कहा जाए। मैं रोमाना एक बात और आपको बताऊं कि हरियाणा में जो चुनाव है पहले ऐसा दिख रहा था कि दो पार्टियों में होगा, फिर एक तरफा होता हुआ दिखा, लेकिन अब बेहद दिलचस्प होता हुआ यह चुनाव दिख रहा है क्योंकि एक एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर यहां पर सिरसा में भी देखने को मिलेगा। यही तो महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं। दरअसल पहले जो आर पार का मामला लग रहा था वो इतना आर पार अब हरियाणा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, खासतौर से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वो अलग चुनाव लड़ रही है, उधर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, अच्छा एक गठबंधन ये वाला जिसमें अब गोपाल कांडा भी सवार हो गए हैं, तो वो जो आर पार वाला मामला था अब अगर वो नहीं होगा और इस तरीके से ये अलग अलग गठबंधन अगर आगे आएंगे तो फिर बीजेपी जिसके लिए सिरसा आप कह रहे हैं हमेशा चुनौती बना ही रहा और इस बार 19 के बाद 24 लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा कैसे वो सिरसा वाली सीट बीजेपी निकलकर कांग्रेस के खाते में चली गई। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर इस तरीके के गठबंधन बनेंगे तो फिर वो नुकसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों आर पार वाली जो पार्टियां उनको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में बड़ी बगावत, निर्दलीय लड़ेंगे कांग्रेस नेता उपेंद्र कौर अहलूवालिया। पंचकुला की पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलूवालिया का टिकट कटा। नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी बागी तेवर दिखा दिए। निर्दलीय नामांकन करेंगे पूर्व एमएलए ललित नगर। तो ये जो बगावत का बिगुल है वो दोनों ही बड़े दलों के लिए इस समय मुश्किल पेश कर रहा है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बगावत के सुर हुए। रोमाना मैं दो रोचक बातें बताता हूँ, शुरुआत सिरसा से करूंगा फिर ये कांग्रेस के बगावत वाली खबर पे आता हूँ। देखिए सिरसा जिले में ये स्थिति बनेगी रोमाना कि वहां पर कई सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, सिर्फ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। डब्बाली सीट जहां पर जेजेपी मजबूती से लड़ रही है, आईएनएलडी मजबूती से लड़ेगी, बीजेपी भी मजबूती से लड़ेगी, कांग्रेस भी मजबूती से लड़ेगी। ऐसे में पूरा सिरसा जिले की तमाम पांचों की पांचों सीटें फंसा हुआ चुनाव सीधे तौर पर, और कांग्रेस के लिए ये बहुत बुरी खबर है। रोमाना मैं आपको बताऊं ये करीब करीब 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर आज नामांकन का आखिरी दिन है, सीधे तौर पर बगावत सामने आई है। शारदा राठौर बड़ा जाना माना चेहरा है फरीदाबाद का, बल्लभगढ़ से चुनाव जीतती आई है, सीपीएस भी रही है हुड्डा सरकार में, उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कह दी है। ललित नागर जो कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं जब 14 में बीजेपी की सरकार बनी, वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। निर्मल सिंह की बेटी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, पंचकुला से कांग्रेस के मेयर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और नलवा जिसका जिक्र आपने किया हिसार की नलवा विधानसभा सीट, ये वो सीटें हैं रोमाना जिन सीटों को कांग्रेस ने जब हरियाणा में देवीलाल का न्याय युद्ध भी हुआ था तो उस जमाने में भी कांग्रेस जीतती आई। संपत सिंह बड़े पुराने नेता हैं, कांग्रेस आईएनएलडी में रहे, कांग्रेस में रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस उनको टिकट देने से मना कर रही है। तो अगर संपत सिंह अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर भी होगी।